तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं भाई। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपके शेयर चैट पर पोस्ट पर लाइक नहीं आते हों, पोस्ट पर व्यूज़ नहीं आते हों, पोस्ट पर कमेंट्स नहीं आते हों, पोस्ट पर शेयर नहीं आते हो, या फिर आपकी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं होती हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट आज आप लोगों के लिए वीडियो होने वाली है। आज के टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि आप अपने शेयर चैट पोस्ट को वायरल कैसे करें, क्योंकि अगर आपका पोस्ट वायरल होगा तो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट सब पर पड़ने वाला है। जस्ट लाइक फॉर अगर आपका पोस्ट एक वायरल होता है तो आपको व्यूज़ भी अच्छे मिलते हैं, आपका उससे कमेंट्स भी आपको अच्छे मिलने लगते हैं, उसके बाद आपके शेयर्स भी अच्छे गेन होते हैं आपके लिए, और आपके लाइक्स भी इम्प्रूव होते हैं किसी वायरल पोस्ट पर, और साथ ही साथ आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं जब आपका कोई पोस्ट वायरल होता है। तो आज के टॉपिक पर हम यही बात करने वाले हैं दोस्तों, आप अपनी पोस्ट को वायरल कैसे करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं यार, वो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। मैंने देखा है भाई, भूल जाते हो मतलब भूल जाते हो। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें। एक छोटा सा मैसेज है दोस्तों, जो लोग मुझे ये कहते हैं, बहुत से कमेंट्स मुझे आते हैं, वो लोग मुझे कहते हैं कि आप गलत वीडियो बनाते हो, आप फेक वीडियो बनाते हो शेयर चैट की, आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मैं फेक वीडियो बनाता हूँ? अगर आपको लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वो लोग भी कमेंट ज़रूर करें यार जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देख के, मुझे सुनकर अपना समाधान लिया हो, या फिर मेरी किसी भी पोस्ट को आपने अपने पोस्ट पर कोई दिक्कत आती हो, जब मेरी वीडियोज़ आपने देखी हो तो उसमें से आपको सोल्यूशन मिला हो। तो दोस्तों ऐसे लोग भी कमेंट करना और बताना मैं फेक बनाता हूँ या फिर रियलिटी पर काम करता हूँ। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आप अपने शेयर चैट पर जो पोस्ट डालते हो, मैंने आपको वीडियोस में वैसे बहुत टाइम पहले बताया भी था एक वीडियो में, लेकिन मैं आपको फिर से आज उसको बता देता हूँ। एक्चुअली आपका जो टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग सबसे बड़ा स्लॉट टाइम है। आप एक टाइम पर अपलोड करो कोई भी आपका वीडियो हो, जैसे कि आप कोई टाइम पर वीडियो सुबह के टाइम अपलोड करो, बहुत अच्छा चलेगा। 7 बजे आप एक पोस्ट डाल दो। अब 7 बजे एक पोस्ट डाल दो, ये तो समझ में आता है कि 7 बजे पोस्ट डाल दिया, लेकिन गलती यहाँ पे भी है कि आप किस टैग पर पोस्ट डाल लो, किस टैग को यूज़ कर रहे हो पोस्ट के लिए। तो टैग आपको ऐसा चुनना है जो ऑलमोस्ट हाईलाइट हो या फिर ऑलमोस्ट ट्रेंडिंग पे हो। हाईलाइट और ट्रेंडिंग दो अलग अलग चीज़ हैं। ट्रेंडिंग वो जो आपके ट्रेंड पेज पर शो होता है, ठीक है। अब हाईलाइट वो जिसकी चर्चा काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही है, यानी कि 2-3 दिन से चर्चा भी चल रही है और अभी तक वो हाईलाइट है, लोग उस पर कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हो रहा है हाईलाइट। उस चीज़ पर भी बनाओ। ट्रेंडिंग और हाईलाइट है दोनों इक्वलिटी, लेकिन हाईलाइट कुछ अलग होता है, ट्रेंडिंग कुछ अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर बात समझ में आई हो तो आपको टैग ऐसे ही चुनने हैं। और अब बात आती है यहाँ पर, जब आप टैग चुनते हो तो आपको लगता है कि यार ट्रेंडिंग टैग 5-6 टैग हैं यार, और सारे ट्रेंडिंग है, तो क्यों ना मैं अपने पोस्ट पर ये 5-6 जितने भी टैग्स हैं वो सबको ले लूँ। तो भाई ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर आपके पास 5-6 टैग्स हैं तो ज़रूरी नहीं 5-6 टैग में ही आपकी बहुत अच्छी वीडियो जाएगी, मतलब जा सकती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं जा सकती जो आपकी एक टैग में जा सकती है। कोई भी एक टैग आपको चुनना है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल गुड मॉर्निंग का एक टैग है, वो काफ़ी अच्छा चलता है, सुबह सुबह का वक्त होता है, तो आप उसको कुछ अच्छा बना के दिखाइए। मैं अभी आपको प्रूफ भी करने वाला हूँ, लाइव प्रूफ भी आपको दूंगा, जो आज ही के शेयर चैट्स के बहुत से लोगों ने मुझे दिए हैं, तो वो भी मैं आज आप तक पहुँचा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक टैग में आप इतने ज़्यादा लोग होंगे, जैसे मान लो एक टैग में लाखों लोग टच करते हैं। अब 5-6 टैग हैं तो 5-6 लाख लोग हो गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 5-6 टैग्स में जाके आपकी वीडियो या आपका पोस्ट हाईलाइट हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक टैग में भी वो चीज़ हो सकती है। अब मैं थोड़ा सा लाइव डेमो की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये वो टैग्स हैं, ये आपने एक पोस्ट देखा, इसमें देखिए टैग्स कितने सारे हैं, और टैग्स के बाद आप नीचे देख सकते हैं कितने लाइक्स हैं, व्यूज़ आप देख सकते हैं कितने व्यूज़ हैं। तो अप्रोक्स आपको ये समझ में आया होगा। अब देख लीजिए गुड मॉर्निंग के जो टैग्स हैं वो सिर्फ सिंगल टैग है, ये गुड मॉर्निंग के कुछ टैग्स हैं, इस पर लाइक देख लीजिए, व्यूज़ देख लीजिए, कमेंट सेक्शन सब कुछ इस पर इंप्रूव मिलेगा आपको उन सारे टैग्स के अलावा। इसमें देखिए इसके बाद कुछ और टैग्स भी आप देख सकते हैं, कुछ और पोस्ट भी हैं, 2-3 पोस्ट इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना मतलब आपको? अब कहने का मतलब यह है कि आप एक टैग को यूज़ करो और वो टैग आपका अच्छा होना चाहिए, एवरीडे चलना चाहिए। तो जब आप देखते हो गुड मॉर्निंग के टैग, आप खुद भी देखते हो इवन कि गुड मॉर्निंग का जो टैग है वो काफ़ी अच्छा चलता है, गुड मॉर्निंग का जो टैग है वो आपका हाईलाइटेड रहता है और व्यूज़ उसमें अच्छे आते हैं जो भी उसमें पोस्ट करता है। तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, आप भी डालो यार।
तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और अगर थोड़ी बहुत भी समझ में आती है तो भाई लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया करो, क्योंकि आप ही नहीं शेयर चैट के बहुत ऐसे लोग हैं यार जो जिन तक ये नॉलेज नहीं पहुंच पाती है। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही, बाय।